So students, we are again here in the third part of the dreaded chapter written by Selma Lagerlöf, third and last part of this lesson. So I will finish it here and to explain you what had happened next. अब आपने अब तक की कहानी जो पढ़ी थी कि क्रिएटिव चलर था, सुविधाएं बेचता था, इधर उधर से लोहा चुरा के बनाता था, गले में लटका के तार में बेचता था, वो फटीचर हालत में रहता था, उसकी आजीविका का साधन एकमात्र वो चूहेदानियाँ बेचना ही था। कभी कभी उसे वो पेट भरने के लिए चोरियाँ भी करनी पड़ती थी, छोटी छोटी पेटी थे भी, और कई बार उसे भीख भी मांगनी पड़ती थी। ये सब वो करता था, उसके रहने के लिए कोई घर नहीं था। एक बार वैसा सोचता है कि पूरा संसार एक चूहेदानी जैसा है, रेड थिंग्स। So he decided that whenever I think that the whole world is a red trail, मैं भी इसमें एक दिन फंस जाऊंगा या हर कोई इसमें फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? क्योंकि इसमें लालच है, इसमें ऐसी चीजें हैं जैसे चूहे दाने में होती है, फॉक्स चीज, बटर टोस्ट वगैरह, चूहा उसमें आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है, उसमें फंस जाता है। उसी तरह से वो सोचता है फिलोसफिकल तौर पर कि पूरा संसार एक चूहे दानी है, सब इसमें फंस जाते हैं लालच के मारे। धीरे धीरे वो इस ख्याल में इतना आनंदित होता है कि वो इसे अपना लेता है। जब भी वो अकेला होता है ये फील करता है कि मैं इस चीज को हमेशा याद रखूंगा। खैर वो एक प्रॉस्पेक्टर के घर पे जाता है जहाँ उसका अच्छा स्वागत किया जाता है, वेलकम वेरी मच देयर, एंड ही हैड गिवन पोरेज एंड टोबैको, वो साथ में नोजोलिस भी खेलते हैं, बूढ़ा वो प्रॉस्पेक्टर और वो दोनों। बूढ़ा प्रॉस्पेक्टर से 30 क्रोनर की नोट दिखाता है जो अपनी गाय से कमाता है। वो 30 क्रोनर की नोट अपने सुबह को चुरा लेता है और वो जंगल में एक कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट में फंस जाता है। नेक्स्ट उसे याद आता है कि मैं सेम जो सोचता था वैसा ही घटित हो गया, ये पूरा संसार एक चूहे दानी है, मैं इसमें फंस चुका हूँ। उसे मरने के अलावा कोई उसका नहीं सोचता, तो वो जमीन पर लेट जाता है और ये सोचता है कि जल्दी मुझे मृत्यु मौत आ जाएगी। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट उसे जब वो लेटता है तो उसे थम्पिंग की आवाज़ सुनाई देती है, जो हैमर स्ट्रोक होते हैं सुनाई देते हैं। तो उसमें एक उम्मीद की किरण जागती है कि शायद वहाँ पे कोई आयरन फैक्ट्री होगी, मुझे वहाँ जाके देखना चाहिए। तो अपनी सारी शक्ति को पूरी स्ट्रेंथ को गेदर करता है, उधर भागता है। अब वो कहाँ पहुँच जाता है, रेंज जो आयरन वर्ष में पहुँच जाता है। ये अपने सेकंड पार्ट तक पढ़ा था, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब रेंज जो आयरन वर्ष जो मिल थी वो लगभग बंद हो चुकी थी, उसकी एक दो इकाई एक दो यूनिट चालू थी। उसके अंदर एक मास्टर स्मिथ था और एक उसका हेल्पर था, दो ही जने काम करते थे। भट्टियों की आवाज उसके अंदर गूंजती रहती थी, लोहे की तिड़कने की, लकड़ियों की तिड़कने की। पहले वो रेंसो आयरन वर्क्स बहुत ही फेमस मिल हुआ करती थी, जहाँ पे छोटी छोटी जो नावें होती हैं, बार्जेस कह सकते हैं, या छोटी छोटी नौकाएं होती हैं, उनमें लकड़ियाँ आती थी, भर भर के उनमें लोहा आता, भर भर के उसी में लोहा जाता था। उसके मालिक का ये ख्याल था कि मैं दुनिया को या लोगों को अच्छा आयरन से मेटल की बनी हुई चीजें मैं बेचूँ, लेकिन खैर हालात के मारे वो मिलन में बंद हो चुकी थी, लेकिन कुछ इकाई उसकी चालू थी। तो हालत ये थी कि जब सर्दियां पड़ती थी तो उससे जो धुआं निकलता था, धुएं के काले जो कालापन था वो बर्फ के ऊपर पूरा छा जाता था, पूरी बर्फ काली दिखाई देती थी। अब दिसंबर का महीना है, बाहर झरना बह रहा है, तिड़कने की आवाजें आ रही है लकड़ियों, तो भट्टी में बहुत सारी आवाज होती रहती थी। आप देखते हैं हम घास के बड़े ढेर को जलाते हैं तो उसके अंदर चटकने की आवाजें आती रहती थी। उसी दौरान जो वेगाबोंड है, जो पेटलर है, वो उसमें एंटर करता है, इसके अंदर रेंस जो आयरन करता है। कोई उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उनको वो आवाजों इतनी आवाजें हो रही थी, मास्टर स्मिथ को उसको वो सुनाई नहीं थी। अब मास्टर स्मिथ और जो उसका हमारा कैरेक्टर है वो लकड़ी के लकड़ी के इस तरह से चपले वगैरह पहने रहते थे ताकि वो जले नहीं, लोहे पे गर्म नहीं हुए, उनको उनके विशेष कपड़े होते थे। फिर उन्होंने उसकी तरफ देखा तो उन्होंने जब उसने परमिशन मांगी, जब पेडलर ने उनसे रहने की परमिशन मांगी, क्या मैं रात रात में यहाँ रुक सकता हूँ, तो उन्होंने एक मैंने बताया हॉर्टिकॉन्स थे, बहुत ही हॉर्टिकॉन्स टाइप का, मतलब बहुत ही विचित्र तरीके से उसको तरफ देखा, जैसे कि कोई मतलब ये तुम रहो या ना रहो और रहना तो पड़ जाओगे लाइक दैट। बहुत ही उसको विचित्र तरीके से उन्होंने रिस्पेक्ट किया। तो वो क्या करता है, भट्टी के कोने में लोहे का एक टुकड़ा सराहने पर अपने सिर के नीचे लगा सो जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो लोग क्यों नहीं ध्यान देते थे, क्योंकि वहां पे ऐसे घुमंतू आवारा वेगाबोंड
सर्दियों में गर्मी की तलाश में, क्योंकि की भट्टियाँ जलती रहती थी तो वो रेंज जो है वक्त गर्म रहती थी, जैसे वहाँ घुमंतू लोग आते रहते थे रात रात को सरे लेने के लिए, तो उनके लिए कोई विचित्र बात नहीं थी। जो मास्टर स्मिथ का वर उसका अप्रेंटिस था उन्होंने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट क्या होता है, वो वहाँ पे रेस्ट करने लगता है, अपना सामान छुपा के अपने हेड को चेहरे पर लगा लेता है। अब जो उस मिल का मालिक होता है आयरन मास्टर, वो वहाँ रेगुलर इंस्पेक्शन के लिए आता है, एक बार दिन में आके जाता है चेक करने के लिए। मालिक जो था एक बार आता है उसका रात को वहाँ पे आना होता है। तो अब क्या कि मास्टर स्मिथ और हेल्पर ने उस रेगुलर की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ ध्यान दिया कि ये व्यक्ति कौन है। तो जब उन्होंने उसको क्लोजली जाके देखा तो उन्हें लगा ये उनका कोई रेजिमेंट का पिछड़ा हुआ साथी है। समझे मेरी बात, उनको एक गलतफहमी हो जाती है कि ये जो व्यक्ति है ये मेरा कोई पुराना रेजिमेंट का साथी है जो आर्मी छोड़ के भाग गया था। अब आयरन मास्टर जो था पहले आर्मी में था, अब रिटायर हो चुका था, तो ऐसा सोचता है कि ये मेरा कोई पिछड़ा हुआ साथी है जिसका नाम था नील्स ओलोफ। तो वो बड़ा आश्चर्य फील करते हैं कि नील्स ओलोफ तुम्हारी ये क्या लत हो गई, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब वेगा ब्रोन जो था जो बैटलर था उसे तो पता ही था मैं ये सब नहीं, लेकिन फिर भी उसने प्रिटेंड किया कि ये अगर मेरे को नील्स ओलोफ समझ रहा है, पुराना रेजिमेंट का कॉमरेड समझ रहा है, तो मुझे भी क्या फर्क पड़ता है, क्या पता है मेरी थोड़ी हेल्प भी कर दे, क्या पता है मेरे को थोड़े पैसे ही दे। तो ये सोच के वो आशा से कहते कि हालात में मेरे मुझे इस हालात में डाल दिया, मेरे हालात थोड़े खराब हो गए थे तो मैं इस हालात में पहुंच गया। मतलब वो झूठ बोलता है उससे। अब वो आयरन मास्टर से जिद करता है कि तुम हमारी बुरी हालत हो रखी है, चलो घर चलते हैं, हम इस क्रिसमस, अब देखो दिसंबर के मंथ 25 को हर दिसंबर में क्रिसमस आता है, इस आयरन में एक फेमस फेस्टिवल है। तो कहता है हम सोच ही रहे थे मैं और मेरी बेटी, आयरन मास्टर कहता है मैं और मेरी बेटी, बेटी का उसका नाम है एडला विलियम्स, सोच ही रहे थे इस क्रिसमस पे हमारे पास कोई गेस्ट कौन आएगा, तो ये तुम आए हो हमारे पुराने साथी हो, तो चलो घर पे तुम्हारा अच्छा आदर सत्कार होगा। तो वेगा ब्रोन जो था बैटलर जो था अब उसे थोड़ा डर लगता है, वो ये सोचता है कि वहाँ जाना है लॉरेंस लेन में जाना हो, शेर की गुफा में जाना हो, कैसे क्या पता मैं वहाँ पहचान भी आ जाऊँ। पहली बात तो मैं लास्ट डे चोरी करके आया तो क्या पता वहाँ पे मुझे ये सब मिल जाए जो मुझे पहचान ले, क्योंकि उसकी स्पेशल आइडेंटिफिकेशन थी 30 किलोमीटर वाली बात डॉक्टर को तो पता चली चुकी थी, तो उसने शायद एरिया में फैला दी होगी कि एक व्यक्ति जो चूहे दाड़ियाँ बेचता फिरता है मेरे 30 किलोमीटर चुरा के ले गया। तो क्या पता मैं वहाँ पर पकड़ा जाऊँ, मुझे पुलिस पकड़ ली फिर नहीं कहा। तो वो अपने 30 किलोमीटर के बारे में सोचता है और उसको मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊँगा, वो उससे फिर जिद करता है लेकिन वो नहीं मानता। तो वो कहता है कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी हालत कपड़े फटे हुए हैं या फिर तुम्हारी जिस तरह से हालत हो रखी है तुम इस वजह से शर्मिंदा होकर नहीं जा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हें नए कपड़े भी दिलवा देंगे, तुम्हारा हुलिया भी ठीक कर देंगे। पर वो नहीं मानता है। आयरन मास्टर बोलता है कि मुझे लगता है, जो मास्टर स्मिथ है ना भट्टी में मजदूर है, उसको बोलता है कि मुझे लगता है यार तुम्हारे साथ ही है, और वो अपने घर लौट जाता है। घर पे जाके वो अपनी बेटी एडला विलियम्सन को ये बोलता है कि मेरी मुलाकात आज एक रेजिमेंट के बीच हुए साथी से। तो एडला विलियम्सन अपने वॉलेट, मैंने आपको एक वर्ड दिखाया वॉलेट, रियलिटी वॉलेट का मतलब नौकरदास, उसको साथ लेके और जो घोड़ा गाड़ी होती है जो कार्ट होती है उसमें वो वहाँ पे आती है। और वो लड़की जो थी वो बहुत ही मॉडेस्ट थी, बहुत ही विनम्र थी, बहुत ही सही किस्म की थी, बहुत सुंदर थी, वो उससे इतनी विनम्र तरीके से बात करती है, इतने ऑनेस्टली बात करती है कि वो पिघल जाता है और वो उसके साथ घर चला जाता है। इसके साथ एडला विलियम्सन के साथ आयरन मास्टर के घर पे चला जाता है। अब आयरन मास्टर जो है वो उसे कहता है तुम इसका अभी तो हालत बुरी है, जब ये नहा धोलेगा तो तुम देखते कितना अच्छा दिखाई देगा। तो वॉलेट जो है ना दास वो उसको नहलाता है, उसकी शेविंग करता है और आयरन मास्टर उसे अपना पुराना कोट भी देता है पहनने के लिए। लेकिन जब वो नहा धोके कोट पहन के बाहर निकलता है तब पहचान लिया जाता है इसके द्वारा आयरन मास्टर के द्वारा। आयरन मास्टर ये पहचान जाता है कि क्योंकि इतनी देर तो फटे फटे चल रहा था था, तो शायद उसको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन अब कोई नया दोबारा साफ दिखाई दे रहा था तो उसे पता लग गया कि अब मेरी आगे धोखा नहीं कर सकती, तुम नील्स ओलोफ नहीं हो, तुमने हमें झूठ बोला ये हो। अब आयरन जो बैटलर है वो गुस्सा हो जाता है, वो कहता है ये पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप है, मैं इसमें फंस गया, तुम मुझे फंसाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, एक दिन तुम्हारा भी आएगा तुम भी फंसोगे। तो वो कहते हैं तुम यहाँ से जा नहीं सकते, मैं शेरिफ को बुलाऊंगा, शेरिफ मैंने आपको बताया था अमेरिका में एक अधिकारी को कहा जाता है,
हालांकि यूरोपियन कंट्रीज में काफी जगह पे शेरिफ होते हैं, इंडिविजुअल अमेरिका में नहीं। अब वेगाबोन उसे बड़ा नाराज होता है कि तुम्हें मुझे फंसाना ही था, तुम मुझे लेके क्यों नहीं आए, लाइक दैट लाइक दैट लाइक दैट। तो उसकी वो उसको निकल जाने के लिए बोलते हैं। आयरन मास्टर कहता है यहाँ से, क्योंकि क्रिसमस का त्यौहार है, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, दफा हो जाता है। लेकिन वो लड़की उसे फिर जीत करके रोक लेती है कि हम इसको लेके आने नहीं करते, इसका आदर करने के लिए लाए थे, अब हम इसमें से निकाल रहे हैं, अच्छा बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो क्या करते हैं, उसको जीत करके वो लड़की उसको रोक लेती है, आयरन मास्टर कुछ नहीं बोलता। अब वेगाबोन जो है वो उससे बहुत अच्छा व्यवहार करती है, उस पेडलर से वो लड़की बहुत अच्छा व्यवहार करती है। क्रिसमस का दिन आता है, क्रिसमस को सब लोग अच्छा अच्छा भोजन करते हैं, कैंडल जलाई जाती है, सारी चीज़ें, क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है। वो ऐसी चीज़ों में बिल्कुल रुचि नहीं रखता, वो बस खाना खाता है, सो जाता है। जब भी उसको खाने के लिए बुलाया जाता है वो जाता है, फिर सो जाता है। यूँ लगता है लाइन लिखी हुई है इसमें कि आज तक उसने ऐसी नींद कहीं नहीं ली थी, ऐसी सुरक्षा प्रोटेक्शन उसने कभी फील ही नहीं की थी लाइफ में। तो ऐसा सोचता है कि मैं रियल में आज एक अच्छी जगह पे आया। आयरन मास्टर क्या करता है, आयरन मास्टर और उसकी बेटी दो तीन दिन को वहां पर रुकता है, और वो कहता है कि आयरन मास्टर की बेटी उसे कहती है कि कोर्ट जो है ये क्रिसमस गिफ्ट के तौर पे तुम रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले दिन वो सुबह पिताजी आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला विलियमसन दोनों चर्च में प्रेयर करने के लिए जाते हैं। तो चर्च में जब वो प्रेयर करने के लिए जाते हैं तो वहां पे उन्हें कोई लोग बताते हैं कि एक ऐसा ऐसा व्यक्ति था जो चूहे दानियां बेचता फिरता था, और उसने एक प्रॉक्टर के 30 किलोमीटर चुरा लिए थे। ये बात सुनते ही आयरन मास्टर लड़की की तरफ गुस्से से देखता है कि तुम्हारी ये जो जेनरसिटी उदारता है ये देखना कितना नुकसान करेगी, जब हम घर पहुंचेंगे तो हमारे पास चांदी वगैरह की सोने की जितनी भी कीमती चीजें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पेडलर घर पे थे। वो जल्दी जल्दी वहां से घर पे आते हैं। जब वो घर पे पहुंचते हैं तो उनको नौकर मिलता है बाहर, वे उससे पूछते हैं क्या वो जो पेडलर था रेड टेप चूहे दानी बेचने वाला वो यहीं है या चला गया। तो दास से जवाब देता है जी वो तो चला गया। तो उससे पूछते क्या वो अपने साथ कुछ ले गया है सामान, तो वो कहता नहीं वो तो लेके तो कुछ गया नहीं, छोड़ के बल्कि जरूर थोड़ा गया है, एक लिफाफा छोड़ के गया है। तो वो दोनों अंदर जाते हैं, लिफाफा खोल के एडला विलियमसन के नाम का लिफाफा छोड़ के जाता है। खोल के जब देखती है तो उसमें लिखा हुआ होता है, एक छोटा सा पत्र होता है, एक छोटी सी चूहे दानी होती है, चूहे दानी के अंदर 30 किलोमीटर के नोट होते हैं, और एक नोट लिखा हुआ होता है लेटर में क्या कि आपकी उदारता ने, आपकी रेस्पेक्ट ने, आपके आदर ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं इस जाल में फंसते फंसते बच गया। ये छोटी सी चूहे दानी मैं आपको क्रिसमस की गिफ्ट के तौर पर छोड़ के जा रहा हूँ, और ये 30 किलोमीटर प्लीज आप उस क्रॉफ्ट को लौटा देना जिससे मैंने चुराए थे। तो ये थी कहानी। और नीचे उसने सिग्नेचर भी कैप्टन होम्स टेलर के नाम से किए, जो पुराना रेजिमेंट का साथी था ना उसके साइन की, क्योंकि वो अपने आप को एक बदला हुआ इंसान समझ रहा था। किसी मैंने आपको बताया था तीन चीज लेसन की, किसी का अच्छा व्यवहार, किसी की उदारता आदमी के दिल को हृदय को पूरी तरह से चेंज कर सकती है। तो ये लेसन की मेन थीम थी। लेसन यहाँ पर होता है रेटेड कि ये संसार एक सुविधा नहीं है, इसमें लालच की वस्तु में आदमी फंस जाते हैं। तो मैं आप एक बार रिपीट कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन के ऊपर लिंक्स तो आए हैं, आपने देखा है बहुत ही जानी पहचानी मिल थी, आधी बंद हो चुकी थी, एक दो यूनिट चालू थी। मास्टर स्मिथ और उसका एक्टर वहाँ काम करते थे। वेगाबोन वहाँ पहुँचता है, उनसे परमिशन मांगता है रुकने की, वो कहते हैं आप रह सकते हैं। वो परमिशन के तौर पर कोई मतलब ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देते, वो वहाँ सो जाता है। आयरन मास्टर वहाँ पहुँचता है इंस्पेक्शन के लिए, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मेरा एक पुराना बिछड़ा हुआ साथी है, तो उसको घर ले जाने की जिद करता है। जो पेडलर होता है वो भी एक बार उसको बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा बिछड़ा हुआ साथी हूँ, लेकिन वो घर जाने से मना कर देता है, उसे डर लगता है कि मैं चोरी करके आया तो शायद 30 किलोमीटर मेरे पकड़े जाएंगे और मैं मेरा डेल खुल जाएगा। लेकिन आयरन मास्टर की लड़की एडला विलियमसन उसको जिद करके लेके जाती है कि उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, घर पर उसकी अच्छी सेवा की जाती है, लेकिन वो बाद में पहचान लिया जाता है कि वो कोई उसका पुराना साथी नहीं था। तो फिर भी वो लड़की उसे जिद करके क्रिसमस के दो तीन दिन उसको घर पर रखती है, उसकी अच्छी सेवा की जाती है। और जब वो अगले दिन चर्च में प्रेयर करने के लिए जाते हैं बाप और बेटी, तो उनको पता चलता है कि एक चूहे दानी फ्रेंड बेचने वाले ने प्रॉफिट को लूट लिया था। तो वो जल्दी से घर भागते हैं कि वो हमारे घर से कुछ चुरा के ना ले जाए। जब वो घर पहुँचते हैं तो नौकर से पूछते हैं क्या वो कुछ लेके गया साथ में, तो उन्होंने कहा कि वो लेके तो नहीं गया, छोड़ के गया है। जो उन्होंने देखा खोल के तो उसमें एक लिफाफा था, लेटर था, एक चूहे दानी थी, उस चूहे दानी में 30 किलोमीटर के नोट थे। और वो कहता है कि मुझे एडला विलियमसन आपके व्यवहार से इतना प्रभावित हुआ कि मेरे अंदर का चोर मर गया, मेरे अंदर की बुराइयाँ खत्म हो
मैं चूहे लेने बेच के अपना गुजारा कर लूँगा। ये 30 किलोमीटर की नोट प्लीज़ आप उस प्रॉक्टर को लौटा देना, और ये चूहे का मैं आपको क्रिसमस की गिफ्ट के तौर पर छोड़ के जा रहा हूँ। ये इस लेसन की समरी, अगले लेसन के समरी अगले वीडियोज